सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, जब से कल सुबह 5:12 पर सलार मूवी का टीज़र आया है, उसने पूरी तरह से यूट्यूब को हैंग कर दिया है, ट्विटर को हैंग कर दिया है। वहीं पर दोस्तों, सभी तरफ सिर्फ सलार मूवी के टीज़र की चर्चा हो रही है। इसी के साथ दोस्तों, जो बुक माई शो ऐप होता है, जहाँ पर सलार मूवी के हम टिकट्स को बुक करेंगे जब वो रिलीज होने वाली रहेगी, वहाँ पर दोस्तों जो इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है वो एक दिन में ही बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। मतलब वहां भी देखा जाए तो एक तरह से एक रिकॉर्ड बना दिया है कि सिर्फ टीजर आने पर अगर ये इतना इंक्रीज हो सकता है, तो जब इस मूवी के सॉन्ग्स आएंगे, जब इस मूवी का ट्रेलर आएगा और जब ये मूवी रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार होगी, तब बुक माई शो में इंटरेस्ट का क्या हाल होगा। अब दोस्तों, एक ही दिन में कितना ज्यादा ये इंटरेस्ट बढ़ चुका है, चलिए हम आपको बताते हैं। जब दोस्तों सलार मूवी का टीजर नहीं आया था, यानी कि दोस्तों 6 के एक दिन पहले 5, वहां पर जो सलार मूवी में इंटरेस्ट का ऑप्शन होता है, मात्र 165 के प्लस लोगों ने उसमें इंटरेस्ट करके रखा था। 1,65,000 उस मूवी के हमें इंटरेस्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सलार मूवी का टीजर आता है, धीरे धीरे बुक माई शो में जनता जाती है और इंटरेस्ट पर क्लिक करती है, और 24 आवर्स में ही दोस्तों इसके इंटरेस्ट 20,000 बढ़ जाते हैं, और अब 185 के इंटरेस्ट इसके हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों 1,85,000 लोगों ने इस मूवी को इंटरेस्ट करके रखा है। जो कहना चाहते हैं कि हम सलार मूवी के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि जैसे ही ये रिलीज होगी, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो में इसकी टिकट बुक कर इसे देखने जाएंगे। यहां भी दोस्तों एक रिकॉर्ड बना डाला है प्रभास ने कि एक ही दिन में दोस्तों 20,000 इंटरेस्ट बढ़ गए हैं बुक माई शो ऐप के। मतलब सलार मूवी का क्रेज बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। अब आप बताइए कि आप सलार मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आपको टीजर कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।